चलो तुमको जमाने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे, एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। हिरा, साइमा की बर्थडे के लिए ये पहनू की ये? कोई पहनो। आई थिंक ये अच्छा लगेगा। सारी दोस्तें इंप्रेस हो जाएंगी, सबसे अच्छी लगूंगी मैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? चुप करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रही? लड़का लड़की को लेके भाग रहा है। ऐसी हरकत पे तो लड़की को गिन के 100 जूते पड़ने चाहिए और तुम उनके सद के वारी जा रही हो। भाग जा, भाग जा, तेरे पिताजी आ रहे हैं, जल्दी से भाग जा। तौबा है भाई, हर चीज को आग लगी है बाजारों में। हैं? तुम दोनों अभी तक यहीं बैठी हुई? 3 घंटे हो गए मुझे गए हुए, तब भी यहीं बैठी हुई थी। मामा मैं 2 बार उठी हूँ। मामा मैं भी गई थी कमरे में फोन लेने। बेगम साहिबा, ये सब्जियां कहाँ रखूं? मेरे सर में रखूं? आप बिना मेरे साथ रह के बड़े अच्छे वाले मखौल करने लग गई हैं। ये दांत बंद करो और जाके पानी का ग्लास ला के दो मुझे। बहुत बातें करने लगे। हिरा, जल्दी से फ्रिज से कबाब निकालो, फ्राई करो और उसके साथ पुदीने की चटनी बनाओ। उफ लॉय, तो ये खाला की कॉलेज की छुट्टी भी ना बहुत जल्दी हो जाती है। अरे जल्दी कहाँ से हो जाती है, वक्त पता है क्या हो गया? 3 बज गए। अभी हाँ उठो, रोटी बनाओ। मामा रोटी मैं बनाऊं? आपको तो पता है ना रोटी बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पसंद ना पसंद नहीं पूछी तुम्हारी, चलो जाओ जाके रोटी बनाओ। और ये चची नजर नहीं आ रही, कहाँ कहीं गई है क्या? वो चची को अपनी किसी सहेली के पास जाना था ना, तो शाहजेब उन्हें बाइक पे बिठा के ले गया। क्या सहेली क्या बाइक पे बिठा के? अरे वो तो बाइक भी जहाज की तरह चलाता है, गिर गिरा गई तो तुम लोगों ने जाने कैसे दिया उन्हें? इसलिए ताकि हम कुछ देर सुकून की सांस ले सके। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है वैसे। आप आके मुझ पे खफा होंगे। तो क्या हुआ? खाला की तो आदत है गुस्सा करने की, घर पे भी प्रिंसिपल बनी रहती है। आज तो मेरा दिल चाह रहा है आपा से खुद तुम्हारी शिकायत करूं। मामा। अरे आपा कबाब अच्छे नहीं बने, आप ये ले लीजिए मुर्गी, इसमें मसाले मुनासिब हैं। यकीनन तुम्हारी बेटियों ने तो नहीं बनाया होगा। नहीं नहीं आपा, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। इतनी उम्र हो गई तुम्हारी तंजीरा, अभी तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया और ना ही तुम्हारी बेटियों में गुण देख रही हूँ। कोई
कोई टेस्ट नहीं है, बहुत बदमजा खाना है, लगता है बस जल्दी में टोटल पूरा किए। नहीं नहीं आपा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तंजीला, मुझे 20 साल हो गए, मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ जहाँ हजारों लोग आते हैं, और बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना मेरा काम है। ये मत कहो मुझे कि ऐसी बात नहीं। आपा वो सौदा लेने निकली थी, देर हो गई रास्ते में। और ये दोनों लड़कियां? मिर्चे, मिर्चे, मेरा मतलब खाने में मिर्चे नहीं है, वो मुझे मिर्चे लग रही है। पानी, पानी। ये पड़ा पानी, ये पड़ा एक ग्लास, डालो और पियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पिया, भूख लग रही है यार। भूख तो मुझे भी लग रही है। किचन में चलें? पागल हो गई हो? डांट पिटवाओगी? तुम कब से इतनी बुजदिल हो गई? तुम्हें पता है ना, हमारे घर में खाना सिर्फ डाइनिंग टेबल पे खाया जाता है, वरना खाला के असूल खराब होने लगते हैं। मैं तो किचन में जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो बैठी रहो, भूखी मरो। मेरी बला सुन। वाकई? हाँ वाकई। रुको, को भूत का चिल्लाना, नायला के कमरे की तरफ आकर दरवाजा बजाना, ये सब कुछ नया नहीं है, कई दफा हो चुका है मेरे साथ भी। आपके साथ भी? और क्या, मेरे साथ भी। और पता है, जब मैं रात को देखती थी तो फ्रिज भरा होता था खाने से, और सुबह उठ के देखा सारा फ्रिज खाली, पता नहीं कहाँ चला जाता है खाना। ऐसा भी होता है? हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम हुई है? अब बताओ, क्यों सुबह सुबह उठाया मुझे? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं कोई खुद से नहीं आया हूँ, मुझे अभिया ने मैसेज करके बुलाया। अभिया? तुमने बुलाया इसे? क्यों? अब खाला जान प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत माहिर है। ये अमलियात का माहिर है ना, जिन भूत इसके काबू में है, एक फूंक मारेगा और घर से भगा देगा जिन भूत, है ना? शाहजेब, सॉरी, इसने तुम्हें सवेरे सवेरे बुला लिया, जाओ जाके सो जाओ। अरे नहीं नहीं नायला आंटी, सॉरी की क्या बात है, इट्स ओके। और ये क्या अमलियात, जिन भूत, ये
क्या माजरा है मुझे भी बताएं। भाई मुझे तो ये सिचुएशन दिलचस्प और मजेदार नजर आ रही है। बताएं बताएं क्या हुआ है? दिलचस्प और मजेदार? तुम हमारी परेशानी को एंजॉय कर रहे हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैसे मुझे एक बात बताओ, कहीं ये अमल तुम तो नहीं करवा रहे कि हमारा ये घर सस्ते दामन खरीद सको? चची कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा छोड़ो इन बातों को। अरे तुम दोनों चलो उठो जाओ, अभी बस आ जाएगी, अभी तक तैयार नहीं हुई, चलो जाओ। खाला मैंने तो सोचा इस गम में आज छुट्टी होगी। गम छुट्टी भूत परीत भाई क्या हो गया, चलो उठो जाओ। मैं भी। हाँ जी हाँ आप भी चले। तुम क्या ढूंढ रहे हो उसमें? जिन ढूंढ रहे हो उसमें? वापस रखो और जाओ, चलो जाओ। शाबाश चाय। अजीब पागल बच्ची है। मैं तो हैरान हो रही हूँ। चाची आप भी तो कह रही हैं कि रात को खाना नहीं होता, कौन खा जाता है? जामी खा जाता है। शाज़ेब, वहाब, उठ जाओ भाई, मुझे सुबह सुबह उठा देते हैं। कुछ पड़े 10 बजे तक सोते रहते हैं। आज अगर ये लोग नाना उठे तो फिर देखें, 100-100 नाम धरते मेरे पे अगर मैं लेट हो जाऊं तो। अब खुद पड़े सो रहे, नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे। आज देखें मैं इनके साथ करती क्या हूं। वहाब, इतना बेकरार होकर मेरा नाम मत पुकारा करो, आस पड़ोस के मर्द हजरा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, फिर अपनी बेगमात से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, मुतालबा करते हैं ऐसी ही मोहब्बत का। तंस करने में तो तुम्हारे सारे खानदान ने PhD कर रखी है। नाश्ते के लिए बुला रही थी, ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, मेरी मेहनत तो जाया हो जाएगी। शाज़ेब कहाँ है भाई? मैं उससे बहुत तंग हूं, ये सुन लो तुम। समिया, क्या हुआ? कितना मैंने तुम्हें कहा था कि अपने भाई को नकेल डाल के रखो, लेकिन तुम पे तो जैसे अपने भाई की मोहब्बत का भूत सवार हुआ हुआ था। तुम तो अंधे हो गए थे अपने भाई की मोहब्बत में ना। भुगतो अब भुगतो, भाग गया है वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के, तुम्हारे एतबार की धज्जियां उड़ा के भाग गया है वो। हाय अल्लाह, मेरा जेवर। क्या बोले जा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शाज़ेब अपने कमरे में नहीं है, गायब है। तो क्यों सस्पेंस फैला रही हो? वॉशरूम में होगा, आते ही होगा, नाश्ता तो दो। आज तक कभी वो उठा है खुद से? हैं? मेरे 1000 बार आवाजें देने पे तो वो उठता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अभिया या हिरा के साथ भाग गया है। खुदा का खौफ खाओ, कैसे तुम किसी की बेटी के ऊपर इल्जाम लगा सकती हो? लगा सकती हूँ क्या बदली और फोल बोले जाती हो। तुम कहाँ थे? क्यों क्या हुआ? तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही थी। समिया आ गया शाज़ेब। क्या हुआ, सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही? अब नाश्ता मिल जाएगा। जामी अभी कुर्सी उठा के ना वो वाली साइड पे रखो इधर। मेरा ख्याल है ये ना यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल रास्ते में आ रही है, बुरी लग रही है, उठाओ इसे और वहां रखो। चलो आज ना मेरा इंतकाल हो जाएगा, इतने सारे काम करवा रही है, इसे वहां रखो उसे वहां रखो। हद होगी, ये बहुत ही काम चोर हो भाई, तुम्हारी उम्र के लड़के तो थकते ही नहीं है कभी। इधर थोड़ा साइड पे करके रखो। ओफ मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वाह ये सब आपने सेट किया, कितना अच्छा लग रहा है। वाकई अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अम्मा, लेकिन कहीं इसमें बिजी हो के आप हमारा खाना बनाना तो नहीं भूलिए ना? बहुत भूख लग रही है, प्लीज। ओ, वो तो मैं भूल ही गई मामा। कैसे हो सकता है बनाया खाना। जामी तुम एक काम करो, खाना खा के ना थोड़ा आराम कर लेना। ये वाह जामी बेटे वाह, आज तो तेरी ऐश हो गई। हाँ और तुम लोग जाके चेंज करो, मैं खाना लगा। ठीक है चल ये उठाओ। पागल। Thank you.
मामा ने सेटिंग चेंज किया है, अच्छी लग रही है ना? अरे आप आ गई, कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, आज देर हो गई आपको। ये कमरे का क्या हशर कर दिया? कब से एक ही जैसी सेटिंग थी, मैंने कहा थोड़ी बदल दूंगी तो आपको अच्छी लगेगी। इस कमरे की सेटिंग का एक मकसद था, वो वाला सोफा यहां होता है जिसमें मैं बैठती हूँ और बैठ के टेलीविजन देखती हूँ। वो टेबल उसके साथ होती है जिसपे मैं अपना सारा सामान रखती हूँ और काम करती हूँ, सारी चीजें मैं उस टेबल पे रखती थी। इन सब चीजों को वापस अपनी जगह पे रखो। तुमने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जामी, हेरा, खाला का सामान छोड़ के जामी मुझे दे दे। लो पकड़ो, ये भी लो। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। सुनो, मैं ऊपर जा रही हूँ, जब मैं नीचे आऊं तो ये सारी चीजें वापस अपनी जगह पे हों। इतनी अच्छी खबर लेके आई हूँ कि तुम्हारा दिल भी मेरी तरह झूम झूम उठेगा। सुनो, वो जो गली के कोने में जो घर है जहाँ पे अमरूद का दरख्त है, हम दीवार कूद के अमरूद पार्टीज करते थे, जहाँ मोटे मोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी मोटे मोटे हैं। तुम्हारे ख्याल में मेरी याददाश्त चली गई है जो हवाले पे हवाले दिए जा रही हो। बताओ क्या मसला है। अच्छा सुनो, तुम वो लॉक करके अपना घर जा चुके हैं। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और वो ये है कि हम उधर जाते हैं, दीवार कूदते हैं और अमरूद पार्टी करते हैं। बल्कि एक काम करती हूँ, शाहजब को भी कॉल करती हूँ। कहा है मेरा फोन? मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों, क्यों नहीं जाना? मूड ऑफ है मेरा। है क्या हुआ है? तुमने देखा था ना मम्मा ने कितना टाइम लगाकर पूरे लॉन्च की सेटिंग की थी। हाँ, खाला ने वापस आकर सारी सेटिंग फिर से वैसी ही करवा दी। अच्छा, और वो भी मम्मा के सामने। खाला जान के करती है ऐसा, हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि घर हमारा नहीं है। नहीं है रा, ऐसी बात नहीं है। काश मामा ने भी कुछ पढ़ लिया होता, वो जॉब करती और हम अपने घर में रहते, इस तरीके से किसी पे बोझ तो नहीं बनते। भैया, हमारा कोई तो होगा खाला के अलावा। मामा की फैमिली में ना सही, लेकिन बाबा की फैमिली में तो कोई होगा, चचा फुप्पो ताया कोई भी। मामा कहती है हमारा कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा। मैं नहीं मानती। वैसे जवाद, तुम मुझे बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? खाला, उनकी बेटियां, चची, खैरियत तो है सब? सब खैरियत है बेटा। अरे तंजीला। जी आपा। देखो जवाद एक एक का पूछ रहा है, आओ इससे बात करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम खाला, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, बस तुम आ जाओ, बस मैं और आपा तुम्हारी राह देख रहे हैं। मुझे मंगवाना है, मुझे जरूरत है। हिरा। खाला रहने दे, बताओ हिरा क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं बेटा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, मगर कोई लेके भी तो नहीं देता। जो चीज जरूरत की होती है वो ले देते हैं,
फजूल चीजों पे पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जाओ जाके चाची को बुला के लाओ, उन्हें कहो जवाब बात करना चाह रहा है। अच्छा जाती हूँ। माँ इसकी बात तो सुने देती मुझे। ओफो, जवाब दोनों बड़ी हो गई हैं, लेकिन दोनों के मिजाज में कोई संजीदगी नहीं है। अच्छा हाँ तो फिर क्या प्रोग्राम बनाया तुमने? ये वाला देखो, तुमने इसको देखा? भाग रही है। जामी उफ़ल्ला, एक तो ये प्रिंसिपल साहिबा घर पे क्यों बैठी हुई आज? काम पे भाई जान। शुक्र है जान छोटी, आराम से देखूंगी। ये लो गरम गरम पकोड़े, मैंने अपने हाथों से बनाए, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसे। अरे वाह मेरी बहन। अरे ओ होए होए, गरम गरम पकौड़े, मजा आने वाला है। वाह मजा आ गया। वैसे अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों की ख्वाहिशात कैसे पूरी करता है यार। वाह तुम कब से नेक हो गए हो? क्या मतलब कब से? जब मैं पैदा हुआ था ना, पैदा होते ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी ये वाली औलाद बहुत नेक निकलेगी। दो रुपए से दो दो क्यों उठा रहे हो? दो उठाने तो क्या हो गया, ये चवल पना नहीं करो मेरे साथ। सुनो एक बड़ा फिट सीन सुनाता हूँ तुम्हें। वो नहीं है हमारे मोहल्ले में जो आंटी रहती है, वो आंटी फुलझड़ी? कितनी गलत बात है, इस तरह किसी औरत का मजाक नहीं उड़ाते। इतना अच्छा नाम है उनका रूबी, 2000, तमीज ही नहीं है। तुम्हारे मुंह से ना ये नसीहतें अच्छी नहीं लगती, समझे? वो तो सही, क्या सीन हुआ? यार हम तो उन्हें इतना बुरा समझते थे, रूबी आंटी इतनी अच्छी है, ऐसा सीन हुआ ना उनके घर पे। तुम यकीन करो, जिस को मैंने ये वाकया बताया ना, उसने यही बोला कि यार क्या तमाशा लगा है। आज मुझे अंदाजा हुआ है, होते हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों का। हुआ क्या है, तुम बता क्यों नहीं रहे? मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, जल्दी बताओ। क्या बताऊं? जो हुआ है। कुछ हुआ होगा तो बताऊंगा ना, मैंने मजाक करा था। शाहजेब के बच्चे, तुम सारे के सारे पकौड़े खा गए हो। शाहजेब के चलाक हो तुम शाहजेब, हम खामा खा तुम्हें अपना दोस्त समझते थे। मैं जा रहा हूं। रुको इधर रुको। पकौड़े चोर, हटो। हिरा, हिरा की बच्ची, अकल के नाखून लो। जवान जहान लड़की के पीछे भाग रही हो? कहां जाती? अरे पकड़े ना इसको। चुप, क्यों पकड़ू? चची वो हमारे पकोड़े लेके भाग गया ना। चोर हो गया, पकोड़े चोर, पकड़े से। ओ ये नहीं सकती, तुम्हें नहीं नजर आ रहा। बेगम साहिबा बता दें इनमें से कौन से कपड़े पहनने हैं आपने? फो जामी तंग मत करो, देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ? एक घंटे से ये इसी तरीके से लेकर खड़ा हुआ, अब तो मुझे लग रहा है ये हैंगर मेरे हाथ से गिर जाएंगे। अरे क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे, कब? कोई नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। ये तो सारा दिन घर से निकली नहीं, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? जॉमी अगर हम तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे दें तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना? क्यों, मैं कोई फालतू ऐसी सीढ़ियों से धक्का दोगी? ऐसी बात पे तो मैं आपसे नाराज भी हो सकता हूँ। चुप कर जाओ। अच्छा बताओ क्या हुआ? काला एक्सीडेंट ही हुआ है, देखे ना इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं हमें। मुझे तो लग रहा है कि मेरी आंखों पे भी असर पड़ रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप हैंगर लेके खड़ी हैं या जामी फाइल लेके बैठा हुआ है। हाय मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाय तो बहुत बुरी बात हो गई। ये लो जाओ डॉक्टर को दिखाओ जाके। और हाँ वो क्या नाम है उसका शाहजेब, उसको साथ लेके जाना, अकेले मत जाना, चलो जाओ। जी। अरे मैं साथ चलता हूँ, बहुत से डॉक्टर मेरे वाकिफ हैं। जी नहीं, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। कह रही है हैंगर पकड़े आप खड़ी हैं या जामी? मैं पूछता हूँ इन्होंने देख कैसे लिया कि मेरे हाथ में हैंगर है। अल्लाह, एक तो जामी तुम बिल्कुल पागल आदमी हो, ये एक जोड़ा ले जाके मेरे बेड पे रखो, बाकी दोनों को अलमारी में टांगो और जाओ सर खा लिए। पहले काम का मैं
जो इनकी बक बक सुनो हर वक्त। कमाल हो गए, कोई काम नहीं करने देते। शाहजेब भाई, शाहजेब भाई। आ रहा हूँ। हाँ भाई। शाहजेब भाई जल्दी से बाइक निकाले, हमें कहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ? वक्त नहीं है बताने का, मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, क्या है? जामी बात तो सुन। काफी मजे का लग रहा है। सांस में ना कोई शर्म भी होती है। छोड़ो। मेरा तो दे दो। हिरा, बिया, हिरा। ओह सॉरी आपा, आप यहाँ बैठी काम करी, मैंने देखा नहीं। ये लड़कियां अभी तक नहीं आई? पता नहीं, मैं तो तानिया की अम्मी से मिलने गई हुई थी, मैं समझी अब तक आ गई होंगी। तंजीला, कितनी दफा कह चुकी हूँ तुम्हें, थोड़ी सख्ती करो इन पे, कुछ ध्यान रखो इनका। तुम क्यों भूल जाती हो कि इनकी रगों में सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस कमीने अतीक का खून भी बहता है। कल को कुछ ना कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे आपा। अल्लाह तंजीला, इसीलिए तो समझा रही हूं तुम। जानते हो हिरा और बिया उतनी ही अजीज है मुझे जितनी तुम्हें। अरे मेरी गोद में खेली है, मेरे सामने जवान है, उन्हीं की तरबियत के लिए तुम्हें कह रही हूं। मैं समझती हूं अब्बा। जामी, ओ जामी के बच्चे, ये निगोड़ मारा जामी कहां रह गया? मैंने इससे कहा था कि चने की और मसूर की दाल मुझे पीस दे उपटन के लिए। क्या करनी है आपने मसूर की और चने की दाल? उपटन लगा के क्या करेंगी आप? ना क्यों, सजना और संवरना औरत का बुनियादी हक है। मुझे क्यों इस हक से महरूम करना चाहती हो? आज जामी नजर आ जाए, देख लेना उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मेरी टांगे थका दी ढूंढ ढूंढ के सारे घर में, पता नहीं कहां मर जाता है। जामी, कितना मजा आया ना? बहुत। पैसे मैंने एक प्लेट के दिए और खाई मैंने दो। मुझे भी बहुत मजा आया था कि बड़े मजे की होंगी टैबलेट्स है ना, और गलती से टैबलेट को प्लेट कह दिया। और एक इंजेक्शन के बजाय दो लगवा लिए। जी जी। तंजीरा, देख रही हो अपनी बेटियों के लक्षण? ये मुझे कह के गई है कि डॉक्टर के जा रही, और वहां से न जाने कहां से होके आ रही है। नहीं खाला, डॉक्टर के पास भी गए थे। झूठ पे झूठ बोली चली जा रही हो, शर्म करो, शर्म करो। खाला सॉरी। चुप, बस। मामा, बहुत मत करना मुझसे। मामा, आए तो ना, प्लीज बैठे बैठे, प्लीज प्लीज मामा, प्लीज मान जाए प्लीज। तो और नहीं तो क्या, हालांकि तो आदत है हमारी हर बात से नाराज होने की, आप उनकी बातों में आके हमसे खफा हो गए। खाला तो करती ही हमसे नफरत है। तुम्हें लगता है आपा तुमसे नफरत करती? तो और नहीं तो क्या, बहुत ही जालिम खातून है वो। बेवकूफ लड़की, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम्हें अभी तक मोहब्बत और नफरत का फर्क नहीं पता चला?
थोड़ा आंखें खोल के रिश्तों को पहचानना सीखो। आपा का ही दम है जो तुम दोनों को इतनी अच्छी जगहों पे पढ़वाया, इज्जत की जिंदगी दी है तुम दोनों को, मुझे एक छत दी है, और तो और अपनी चची सास को भी घर पे रखा हुआ है। एक ऐसी औरत जिसने अपना इल्म दूसरों को दे के कमाया है, यहां तक पहुंची है मेहनत करके, कितनी बड़ी बात है ये बेटा। एक बेवा औरत जिंदगी भर मेहनत की, सब कुछ खुद किया, अब अगर उन्हें जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, मिजाज में सख्ती आ गई है, तो बर्दाश्त करो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मामा, मैंने खाला को कभी भी इस नजरिए से नहीं देखा, ना कि एक अकेली औरत, और उन्होंने हम सबका बोझ उठाया हुआ है ना। उनकी किसी बात का बुरा ना मनाया करो बेटा, उन्हें परेशान ना किया करो, खुश रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, मान लूंगी आपकी सारी बातें, मगर आप भी पहले मेरी बात मानो। माफ कर देना प्लीज 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 मेरी प्यारी मामा, प्लीज प्लीज नहीं सुनो प्लीज। वक्त वादा करती है, उसके बाद फिर वही हरकतें शुरू कर देती है। तो खाना भी तो वैसी हरकतें करते हैं। खामोश। ये फिर बाइक साफ कर रहे, इतना तो अपना मुंह भी नहीं चमकाता, आज इसे बाइक चलाना सीख रहे। ग्रेट आइडिया, चलो। वाओ, क्या हो रहा है? क्रिकेट खेल रहा हूँ बाइक के साथ। अंधे हो गए हो? नजर नहीं आ रहा, साफ कर रहा हूँ, हटो। जब बोलोगे फजूल ही बोलोगे। ये बताओ चाबी कहाँ है इसकी? जेब में है मेरी। क्यों, क्या करना है? बाइक की चाबी लेके क्या करते हैं? चलानी है, लाओ चाबी दो। बाइक चलाओगे, वो भी तुम दोनों? पता है बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है? इतना रिस्क होता है ना बाइक चलाने में, अगर तुम दोनों गिर गिरा गए या मर मरा गए तो खाला तो यही कहेंगी ना कि मेरी काम वालियां जाया कर दी। अरे तुम चलो, ज्यादा बातें मत बना, लाओ चाबी दो, चलो। वाकई चलानी है? नहीं, हमारा कोई मजाक है तुम्हारे साथ, दो। मेरी नई बाइक है यार, कितने रोंद लो, ला दो। अगर नुकसान हुआ तो पैसे लूंगा, पहले मैं सीखूंगी। चलो आराम से बैठना, गिराना नहीं, मेरी नई बाइक है। अबे आराम से यार, ऐसे नहीं करते। चाबी तो डालने दो, पहले साइड लॉक खुलता है इधर। देखो भाई, बाइक यहां से स्टार्ट की, ठीक है? ठीक है, ये होती है रेस और ये होता है क्लच। हटो तो, मैं तो देखूं। देखो ध्यान से चलाना, और अभी भी वक्त है, सोच लो गिर गिर आ गई ना तो घुटनों पे चोट लग जाएगी, हाथ पे चोट लग जाएगी, कहीं पे भी लग जाएगी, और ये पीछे आगे वाला ब्रेक नहीं मारते। बेड़ा तर्ज है तुम्हारा शाहजेब, क्या हो रहा था? लड़कियों को अकल को हाथ मारो, ये मोटरसाइकिलें चलानी सीखना, ये बाद में बात पे लड़ाइयां करना है, ये दीवारें फलांगना, ये कोई शरीफ लड़कियों वाले तौर अतवार है या नहीं तुम्हारे? मुझे तो चोट लगी है ना। चोट लगी है, चल के देखो ना, चल के देखो, घुटने घुटने काम नहीं कर रहे, घुटने पे चोट लगी है, कान पे भी लग गई है। अरे भाभी, मैं तो इन लोगों को समझा समझा के थक गया हूं, समझती नहीं है बात। जाओ जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो। इतना समझाया मैंने इनको, घर बैठो, कोई खाना पकाना, कोई सीना परोना सीखो बेशर्मो। ये बचपना करती हैं। शरीफ लड़कियों के ना ये तौर तरीके नहीं होते। एक मेरी बहन है रूही, कितनी बाअदब, कितनी मौदब,
इन दोनों को उसकी शागिर्दी में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। भाभी आप छोड़े ना, आप घर जाएं, आप क्यों गुस्सा करती हैं? आप जाएं, मैं समझा दूंगा इनको अपने तरीके से। जाएं आप। सभी मेरी बाइक का पूरा गियर बॉक्स टूट गया। थैले पकड़, ये भी पकड़, आ जा लेके आराम आराम से। आ रहा हूँ। उफ अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं तुम दोनों का क्या इलाज कराऊं, हद हो गई। खाला छोटी है थोड़ी सी, चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बाजू की चोट की बात नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों के दिमाग के इलाज की बात कर रही हूँ मैं। और वो जो उस लड़के की मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? तुम लोगों को पता है उसकी भाभी वो क्या नाम है समिया मुझे इतनी बातें सुना के गई है ना कि मारे शर्म के मेरे पसीने आ गए। तुम लोगों को पता है क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे? लड़की जात हो, अगर ज्यादा चोट आ जाती, परमानेंट निशान पड़ जाता तो फिर क्या होता? और अगर फोत हो जाती तो? मसरूफ रोड है और तुम बाइक भगा रही हो, आगे से कोई गाड़ी या कोई वैन आ जाती तो? और फोत हो जाती तो? मुझे तो सोच सोच के हॉल उठ रहा है। खाला ये तो मान ही नहीं रही थी, वो तो शाहजेब ने इसको मजबूर कर दिया। क्या कह रही हो तुम भाई? शाहजेब ने मुझे कुछ नहीं कहा था। चोट मुझे लगी है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। खाला जान दरअसल शाहजेब तुम मुझे मना कर रहा था, मैंने ही ज्यादा जिद कर दी। दिमाग खराब हो गया इन लड़कियों का। तंजीला मैं कह देती हूँ, लगाम डाल के इनको रखो वरना सर पकड़ के रोगी। तुम पर कड़ी नजर रखो, पता नहीं है ये किस बाप की औलाद है।